हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है उपटन, एक ऐसा उपटन जो हम घर पर ही रखी चीज़ों से आसानी से बना सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और जिससे हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो बाज़ार में काफ़ी तरह के उपटन अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स हैं, किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। तो क्यों ना हम अपना उपटन घर पर ही बनाएं, जिससे सिर्फ हमें फायदा ही फायदा होगा, जो हमारे चेहरे को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की रंगत इससे निखर जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन चीजें मैंने यहाँ पर ली हैं। मसूर की दाल मैंने यहाँ ली है, चावल मैंने यहाँ लिए हैं और थर्ड इंग्रेडिएंट्स वो है बादाम की गिरी। तो 8 से 10 बादाम मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है। उसमें क्या करना है, आपको मसूर की दाल जो है 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर मसूर की दाल इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 3 चम्मच मैंने यहाँ मसूर की दाल डाल दी है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल। कोई भी चावल आप ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो मैं 2 चम्मच यहाँ पर चावल ले रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं और उसके बाद 10 बादाम की गिरी मैंने यहाँ पर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा भून लेना है। तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब इनको थोड़ा सा भून लेना है। आप चाहो तो चावल थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच चावल, 3 चम्मच हमने मसूर की दाल ली है तो 3 चम्मच ही मैं यहाँ पर चावल कर दे रही हूँ। ये देखिए 3 चम्मच चावल हो गए हैं और 3 चम्मच जो है मसूर की दाल हो गई है और 10 यहाँ पर बादाम गिरी मैंने ली है। अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो भी मॉइस्चर इनके अंदर है, अगर थोड़ा बहुत है, तो वो जो है निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में जो है पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। तो पहले इनको भून लेते। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है, सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो गया है। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 1 से 2 मिनट तक। अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब मैं इसको मिक्सी में डाल के जो है इसको पीस के इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए, ये जो है पीस लिया है मैंने, इसका पाउडर बना लिया है। अब इसको क्या करना है, अगर इसमें कोई हल्का फुल्का दाना है तो उसको हम छान लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर इसमें हल्का फुल्का कोई दाना रह गया है तो इसको हम एक बार छान लेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसा के ऐसा ले लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है, तीनों चीजों का, चावल, बादाम और मसूर की दाल। पीस लिया है मैंने इसको अच्छे से और थोड़ा सा छान भी लिया है। इसमें एकाध सा ना छोटा छोटा सा दाना रह गया था तो मैंने इसको छान लिया है। तो ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है, 3 चम्मच इसमें जो है बेसन की ऐड करनी है। ये देखिए 3 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें बेसन की ऐड कर दी है। वैसे तो इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड हो सकती है, लेकिन अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं मुल्तानी मिट्टी को, क्योंकि वो ड्राइनेस ला देती है और सर्दियों में तो स्किन में पहले से ही ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी को इसमें ऐड नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बेसन ऐड किया है। 4 चीजें इसमें हमारी ऐड हो चुकी हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें लास्ट इन्ग्रीडियंट्स है जो हमें ऐड करना है और वो है हल्दी। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छा है, कस्तूरी हल्दी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी जो किचन में होती है वो ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर, आधे से थोड़ा सा कम ही है ये, मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये हल्दी मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा उपटन बनके तैयार हो गया है।
तो ये पाउडर हमें बना के स्टोर करके हम रख सकते हैं एक महीने के लिए। आप इसको रख सकते हो एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके, और जब भी आपका मन करे, कोई शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, कुछ भी है, तो आप अपना पाउडर निकालिए और दो चीजों के साथ आप इसका पेस्ट बनाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पर कच्चा दूध और दूसरा है दही, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। आपको अपने स्किन के हिसाब से आप अपना जो है पेस्ट बना सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप दही में इसका पेस्ट बना सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कच्चे दूध में आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। थोड़ी सी मलाई भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो आप मलाई और थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर जो है स्किन आपकी ऑयली है तो आप जो है इसको दही में बनाइए। तो ये हमारा उपटन बन के तैयार हो गया है। तो जब भी मन करे अच्छे से अपना पाउडर निकालिए और जो है अपना पेस्ट बनाइए और अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा उपटन है। आप इसको पैक कहो या फेस मास्क या उपटन, तीनों ही चीजों का ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। मसूर की दाल बहुत अच्छा इफेक्ट स्किन में देती है, और चावल का आटा वैसे मिलाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैंने इसमें चावल को ही पीस के उसका आटा इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा उपटन बनके तैयार हो गया है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल दुल्हन जैसा निखार आएगा। इससे सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर की रंगत निखर जाएगी। बहुत ही अच्छा उपटन है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।